नमस्कार, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज की सभा में उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आदरणीय निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं ध्वजारोहण के लिए। कृपया पधारें। मैं आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करने के लिए बताएं। मेरे प्यारे
भारतीय वन्यजीव संस्थान परिवार के सभी सहयोगी, सर्वप्रथम आज हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमें आजादी मिले अब 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये बहुत लंबा समय है, लंबा अंतराल है, बल्कि मैं कहूंगा कि इतना लंबा अंतराल है कि हम लोग आजादी को एक अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हुए शायद उसको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जो उसे मिलनी चाहिए। और जो हम अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, तो हम आजादी को एक उस तरह की चीज मानते हैं। और आज हमारे बीच ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले का समय देखा है, जिन्होंने वो गुलामी स्वतंत्रता का युग देखा है, जिन्होंने अनेकों अनेक यातनाएं झेली हैं, लेकिन उन सब यात्राओं के बावजूद एकजुट होकर उन्होंने कैसे एक अति शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त किया, उन्हें हमें हमारा देश छोड़ने के लिए विवश किया, वो कार्य मतलब एक अभूतपूर्व कार्य था। और उस कार्य का जो फल है उसका हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो आज का दिन निश्चय ही उन सभी को सत सत नमन करने का, उन्हें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करने का है। और ये करते समय हमें शायद अपनी आजादी का मूल का बोध हो सकता है कि हम ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और जो हम इतने समय से इतने दशकों से हमें से शायद लगभग सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो पीरियड नहीं देखा और हम केवल उसकी जानकारी अभिलेखों के माध्यम से या चलचित्रों के माध्यम से ही जान पाते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है उसको पता होता है कि वो क्या चीज होती है। तो इस स्वतंत्रता का जो मूल्य है उसको बोध करने का दिन है आज, उसको समझने का दिन है आज। और जब हम इस स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हैं तब हमारा अपने देश की तरफ कर्तव्य जो है वो सामने आता है। और क्योंकि प्रायः हम अपने निजी जीवन में हर समय अपने निजी कार्यों को ये के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हीं को सुचारू रूप से चलाने के विषय में सोचते रहते हैं, तो एक अच्छे एक विकासशील एक बढ़ते हुए देश में सभी का एक कर्तव्य होता है देश हित में काम करने का। और आज का दिन जो है वो हमारे निजी कार्यों और देश हित के कार्यों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए उसको स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है उसको सोचने का दिन है। तो शायद इसी कारण से हम स्वतंत्रता दिवस को इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि हम इस बात का बोध हो सके, हम इस बात का ज्ञान हो सके कि कितना आवश्यक है देश हित में काम करना। और मेरे विचार से एक चीज जो अच्छी देखने में आ रही है कि देश हित की तरफ लोगों का रुझान निश्चय ही बढ़ रहा है, और शायद इन्हीं कारणों से और जो सरकारों का और सरकारी हमारे जैसे सरकारी संस्थानों का जो योगदान चल रहा है शायद उसी वजह से आज हम जो कुछ दशक पहले एक गरीब देश की गिनती में आते थे हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और आगे आने वाले समय में जैसा सभी विश्लेषणों से पता चलता है कि शायद हम और आगे बढ़ेंगे और विश्व में हमारी अहमियत हमारा रोल कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो आज के दिन का महत्व मैंने कहा इसी बात से शुरू करना चाहिए आज की इस सूक्ष्म उद्घोषण को। साथ ही जब हम संस्थान की बात करें तो मुझे 6-7 महीने पहले का दिन जब मैं यहाँ पुनः आपके सामने था वो दिन याद आ रहा है। और जो बात उस समय रखी थी हमारे संस्थान में जो विभिन्न प्रकार के, देखिए कोई भी संस्थान है वो अच्छा चलता है लेकिन उसमें लगातार उसको आगे बढ़ाने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा उसका स्कोप रहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उसकी तरफ जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसमें निश्चय ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम पिछले कुछ माह में लिए गए हैं जिसका आप लोगों की तरफ से भी बहुत
अप्रिशिएशन हुआ, बल्कि आप ही लोगों ने किया है, वो आप ही लोगों के सहयोग से वो चीजें हुई हैं, चाहे वो हमारी अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुचारू करने का हो, चाहे वो एक छोटी चीज ही लगती हो लेकिन हमारे जो पुराने भंडार पड़े हैं उनको खाली करने का और उनको निष्प्रयोज घोषित करने का की कार्रवाई हो, इस तरह की कई कार्रवाई संस्थान के आप सभी लोगों ने, अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर उठाई है, और बहुत ज्यादा इसमें कहूंगा वॉलंटियर एफर्ट भी लोगों ने दिखाया है। तो ये चीज ऐसी है जिसको हमको और आगे बढ़ाना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हमें आगे ऐसी व्यवस्थाएं कायम करनी है संस्थान में जो चिरगामी हो, जो हमेशा चले। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी उसमें अपना योगदान दें और उस सब का फल भी हम ही को मिलेगा। कल जो भी हम काम करेंगे उसमें कम से कम दिक्कतें आए, बहुत सुचारू हो, और हमारा जो मुख्य काम है हमारा, हमें उसके लिए समय मिल सके। तो इसी उद्देश्य के साथ ये एक तरह से मुहिम शुरू की गई है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके कंट्रीब्यूशन से हम इसमें, हमने काफी सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो आने वाला समय धीरे धीरे हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकल के हमारे कार्य सुचारू होते जा रहे हैं, लेकिन मैंने लॉकडाउन की बात की तो कोरोना की बात के बगैर आज ये बात पूरी नहीं हो सकती। और आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 5 महीनों से हम इस वैश्विक महामारी के जकड़ में हैं। इसने पूरे, न सिर्फ हम बल्कि पूरा विश्व जो है वो झकझोर दिया है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमें यह भी नहीं पता है ये कब खत्म होने वाली है, कोई अंदाजा नहीं है कि 2 महीने में खत्म होगी कि 6 महीने में कि साल भर में, या किसी किसी ना किसी रूप में चलती रहेगी। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, और एक तरह से इसने ये भी बता दिया कि अभी हमारे विज्ञान को, कम से कम इस क्षेत्र के विज्ञान को, अन्य क्षेत्रों में भी बहुत आगे जाना है, तभी हम इन चीजों से जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे। पिछले 5 महीने हमारे संस्थान के लिए भी बहुत कठिन समय रहा है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सभी ने, चाहे वो संकाय सदस्य हों, चाहे वो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे सुरक्षा कर्मी हों, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हों, सब ने इसका बखूबी सामना किया, और इस सब मुश्किलों के बावजूद हम आगे बढ़े। मैं उदाहरण स्वरूप अपनी जो शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी बात करूंगा। महज 2-3 हफ्ते जब ये महामारी आई और शुरू में कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या होना है, महज 2-3 हफ्ते के भीतर ही हम लोगों ने पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ किए, और सभी लोगों ने, संकाय सदस्यों ने, हमारे बाकी अधिकारी कर्मचारियों सबने मिलकर इसका सामना किया, और हम इन सभी कार्यक्रमों को सुचारू आगे बढ़ा पाए। हमारे डिप्लोमा कोर्स को हम 30 जून को पूरा करके समाप्त कर पाए, जो उसकी निश्चित तिथि थी। तो ये काम ऐसे ही नहीं हो गया, इसमें आप सबका सहयोग था, आप सब ने इसमें अपना योगदान दिया। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे संस्थान का जो कार्य है उसमें हमारे संकाय सदस्य, हमारे रिसर्चर, इन सबको बहुत भ्रमण करना पड़ता है, बहुत टूर्स पे जाना पड़ता है, ये उनकी एक आदत में आ चुका है। लेकिन पिछले 5 महीने से उन्हें कोरोना ने कैद कर रखा है, इस शहर में कैद कर रखा है। तो एक विषम परिस्थिति है, लेकिन सभी ने उसमें बहुत संयम से काम किया। केवल जो बहुत आपातकालीन किसी की चीजें थी उन्हें किया गया, पर कुल मिला के हमारा फील्ड वर्क बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हुआ है। और लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत संयम से काम किया है, और इस संयम की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि हमने अपने परिसर को कोरोना मुक्त रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जब बड़े बड़े परिसर जो हमसे कई गुने बड़े हैं वो नहीं इसको रोक पाए, लेकिन हमारे लोगों ने, और उसमें सबका साथ रहा है, सबका सहयोग रहा है, चाहे वो संकाय सदस्य हो, चाहे हमारा छोटे से छोटा कर्मचारी, सब ने उसमें अपना योगदान दिया है। और यही कारण है कि हमारे परिसर में अभी तक कोरोना दस्तक नहीं दे पाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस जोश को बनाए रखेंगे और आगे भी ऐसी स्थिति चलती रहेगी, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए बचाव ही सबसे बड़ा कार्य है।
तो एक बार मैं फिर सभी का धन्यवाद करूंगा कि इस समय में और सबने संयम बरता है, सबने सरकारी नियमों की इज्जत की है और तभी ये स्थिति आई है। तो ये इस चीज की निरंतरता बनी रहे और आप सभी का सहयोग इसमें चलता रहे, मैं यही कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। एक बार फिर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जैसा हमें मालूम ही है, आदरणीय निदेशक महोदय ने भी बताया कि आज के इस माहौल में कोरोना महामारी का सामना हम सभी कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से हम और हमारे साथी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ऐसे में हमारे संस्थान के स्वच्छता कर्मी और सभी सुरक्षा कर्मी और बाकी कर्मचारीगण सभी कोविड योद्धा बनकर संस्थान परिवार को, संस्थान परिसर को एक सुरक्षित कैंपस बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आज के दिन हमारे इन्हीं कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने का निर्णय भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हमारे आदरणीय निदेशक महोदय ने लिया है कि इन कोविड योद्धाओं को आज सम्मानित किया जाए। और इस क्रम में इन सभी कोविड योद्धाओं को, जिनके नाम मैं आगे लूंगा, इनको आदरणीय निदेशक महोदय एवं आदरणीय कुल सचिव महोदय के द्वारा एक प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तो मैं आदरणीय निदेशक महोदय एवं आदरणीय कुल सचिव महोदया से निवेदन करता हूं कि वे कृपया सभी कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने हेतु पधारें। मैं सभी कोविड योद्धाओं को उनके नाम से बुलाता जाऊंगा और आप सभी से अनुरोध है कि वे एक क्रम में खड़े हो जाएं। क्रम इस प्रकार से रहेगा, पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर आएंगे, होंगे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से प्रिंसिपल इंसान के लिए नहीं 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 इनका नीड को बेस्टी बेस्टी की नमस्ते मैडम, बहुत बहुत मुबारक आपको, वेरी नाइस मैडम। वहाँ क्यों आ रहे हो, लोग इनके पास उनको देना ना सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नयन कुमार थापा जी को। इसके बाद श्री पुष्कर सिंह पिमोली, फिर श्री अर्जुन सिंह, इसके बाद श्री मोहन सिंह, और इसके बाद के क्रम में सुरक्षा गार्ड में बुलाता हूँ मैं श्री कीम बहादुर गुरु, श्री अमित रोका, श्री किशोर सिंह नेगी, श्री पदम सिंह नेगी, श्री मेहरवान सिंह नेगी, श्री विक्रम सिंह नेगी,
श्री दुर्गा बहादुर लिंबू, आप सभी से निवेदन है बहुत कर्तव्य भरी से इनका उद्घाटन करें, स्वागत करें, सम्मानित करने का ये अमूल्य क्षण है। श्री द्वारिका प्रसाद, श्री गौर सिंह, श्री भीम बहादुर थापा, श्री महेश थापा, श्री वीरेंद्र सिंह बिस्ट, श्री मोहनलाल कोठारी, श्री कुशाल बोरा, श्री हीरा सिंह, श्री अनूप राणा, श्री लाल बहादुर कुंड, श्री सतीश गुरु, श्री मनु थापा, श्री सुनील थापा, श्री नरेंद्र सिंह, श्री गजेंद्र गुरुंग, श्री दर्शन सिंह, श्री गणेश सिंह, श्री मोहन थापा, श्री जंग बहादुर छेत्री, श्री श्री प्रमोद सिंह, श्री विष्णु बहादुर छेत्री, श्री किशन कुमार थापा, और सुरक्षा गार्ड के क्रम में अंतिम है श्री ध्रुव थापा। इसके बाद भारतीय वन्य संस्थान के कर्मचारियों को मैं आमंत्रित करूंगा। श्री भुवन चंद, श्री किशन कुमार राम, श्री पी बोरो, श्री अतर सिंह, श्री देवेश्वर प्रसाद चमोली, श्री ध्यान सिंह, इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ संस्थान में कार्यरत मसाल चीफ को, श्री राकेश डबराल आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें, श्री मुकेश कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार के बाद श्री हरीश चंद्र और मसाज के क्रम में अंतिम श्री विनोद कुमार। इसके बाद
मैं हाउस सीटिंग स्टाफ को बुलाना चाहूंगा और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सचिन को। उसके बाद श्री अनिल कुमार, श्री सतीश कुमार, ये वो स्वच्छता कर्मी हैं जिन्होंने दिन रात जब भी आवश्यकता पड़ी हमेशा स्वच्छता कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कृपया कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें। श्री सागर, श्री मनीष, मसाल जी के क्रम में श्री भीम सिंह रावल, महेंद्र के बाद आएंगे श्री मनोज। मनोज के बाद श्री लाला, श्री अनुज कुमार, श्रीमती मंजू देवी, श्री प्रवीण कुमार, श्री प्रदीप कुमार, श्री विजेंद्र कुमार, श्री ऋषिपाल, श्री महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र सिंह के बाद श्री अनिल कुमार, इसके बाद श्री अमनदीप को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री राजेश, श्री शेखर कुमार, श्री अमनदीप, श्री शेखर कुमार, श्री अजय कुमार और इस क्रम में सबसे अंतिम नाम है श्री प्रताप सिंह। धन्यवाद और बधाई आप सभी को। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब आप सभी से निवेदन है कि कृपया अनुष्ठान की व्यवस्था की गई है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुष्ठान प्राप्त करें और इसी के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति आदरणीय निदेशक महोदय से चाहता हूँ। कार्यक्रम संपन्न होता है, धन्यवाद। एक सूचना है सभी के लिए, जो ध्वज आपको प्रदान किए गए हैं अगर वो अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, अगर चाहते हैं कि वापस करना तो वापस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। हमें सम्मान